आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं, एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुल्लू में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया, यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशे मेरी, मेरा हर पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशे मेरी, मेरा हर एक पल, हर पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। तू मेरे बादशाह, बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। ये समय है प्रार्थना का, जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, आंखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। उस महान परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो सारे मान सम्मान और आदर के योग्य है। ओम ब्र आखी जेरले बोंदले ब्रलमांग दीब्रले बोशहातरा लेमोंदे लेमोंदे लेमोंकली बोशी इधरे के तेरे बता लो कोंदले के सीतरा मेरा ब्रला रला क्रोश इंदले के इधरे के राम मालोंगले के इधरी ब्रोंगले ब्रोले 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 करी ब्रात रे के तेरे बता मेर मांग री ब्रा ग्री ग्राले को जारे को लारी के दे रे के इधरे के इधरे के इधरा
धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज के हमारे प्रार्थना के बिंदु में जाते हैं, और हमारा पहला बिंदु है, हम प्रार्थना करेंगे नाइजीरिया के लिए, और वचन लिया गया है भजन संहिता उसका 33वां अध्याय और 5वां वचन। वह सत्यनिष्ठ और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। और दूसरा वचन लिया गया यशायाह उसका 60वां अध्याय और 18वां वचन, तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरे सिवानों के भीतर उत्पात व अंधेर की चर्चा न सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहनपनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। हम आत्मा की भाषा में जुझारू से प्रार्थना करेंगे, और नाइजीरिया में उन अधर्मी लोगों के काम को विनाश किया जाएगा, नीचे गिराया जाएगा और दोषी ठहराया जाएगा, जो देश में उपद्रव फैलाते हैं, गरीबी फैलाते हैं, दुष्टता और मृत्यु को फैलाते हैं, और लोगों को परमेश्वर की अच्छाई और भलाई को पहचानने से रोकते हैं। हम वचनों की घोषणा करेंगे कि ये पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है। घोषणा करें कि सुसमाचार मुक्त रूप से हर शहर, हर टाउन और हर गली गली में इस देश में प्रचार किया जा रहा है, आत्माओं का उद्धार हो रहा है और शैतान इन्हें रोक नहीं पाएगा। चलिए प्रार्थना करते री ब्रोलो शहांग देगे रमांग ला ले ब्रलमांग दोंग ले गे दरगे दर बदांग लों ले गे दीप ला बा ले ब्रा से के बलों के ले गे दरा ली बा सा का लो ब्रे से के ब्रलो से कला हा ले मांडु लुगा सहा ले गे दरा ली मांग दूर मु दोंग के ले गे रमांग लांग ले गे दो बोझा ले बारा बांग ले बारा वहा तो लो दरे दरे दरिंग दार बदांग ला ले ब्र लों दे गे दर बदिंग लों के ले गे दर बदांग लां दरी ले ब्रा लमकान दो ब्रा लमांग दिगे बदों के ले गे दरमांग दांग ले गे जरा ले गे जरा कौल कूज आंग दिगे बदों के लाभ ली मंदर गे दमांग लाम कलो सेर मदार मदार मंदिर के लोम दिले के दर बदांग लाम ले ब्रे ले बेर बों दिले के दर बदांग लाम कलो दिले के दर बदिंग लो दिले के दर बदा ले ब्रे लमांग दों के लिए के दर बदांग लाम कलो दिले के दर बदिंग के लिए लोम दिले के दर बदा मान जका मान जे के रे ले बों दला ले गे रे बदों के लाम दिले के दर बदांग लाम कलो इंग ले गे दर बदार 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 बदों के ले गे दर रहा ली ग्रे जमुंद आक्री जे के बोलो शांद ले गे दरा ले ब्रा लमांग पूरला हा सूरला की दो रे गे मुदों करा ले नाइजीरिया के लिए परमेश्वर, क्या परमेश्वर वहां पे इन उपद्रवी और अधर्मी लोग के सारे काम परमेश्वर गिराए जा रहे, परमेश्वर उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है, परमेश्वर किसी भी शहर गली में परमेश्वर अपना उपद्रव नहीं फैला पाएंगे, वो गरीबी को नहीं फैला पाएंगे, अपनी दुष्टता को नहीं फैला पाएंगे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं कि हर जगह सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, हर गली शहर देश में परमेश्वर, पूरे देश में आपकी भलाई फैली हुई है प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर, हाँ हर जगह सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, आत्माओं का उद्धार हो रहा है परमेश्वर, और शैतान उसे रोक नहीं पाएगा प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया।
हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, हम प्रार्थना करने वाले हमारे पार्टनरशिप गोल्स के लिए। वचन लिया गया है दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 8वां वचन, और परमेश्वर का सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। घोषणा करिए कि अवसर के दरवाजे और आशीषें हमारे पार्टनर्स और उनके परिवारों के लिए खुले हैं, और वो असाधारण धन समृद्धि और सुपरनेचुरल सप्लाई का अपने जीवन में हर रोज अनुभव कर रहे हैं। घोषणा करिए कि गहरी समझ, अंतर्दृष्टि, बुद्धि हमारे पार्टनर्स को दी जा रही है जैसे ही वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और वो लगातार उत्साहित रहते हैं अपने आप को भरते हुए उस मैंडेट के द्वारा जो विश्व को हमारे सुसमाचार के द्वारा नेटवर्क करने का है, उनके देने के द्वारा। आइए प्रार्थना करते हैं हमारे पार्टनरशिप गोल्स के लिए। रिब्रास से कोप्रोलो सहाग्रा लेंग्रला लेंग्रला मांग दोरोबोसा लेंग्र बुदुरा लाक्रोसे के बोरो बोंदले के दरा लेंब्रा लेब्रा लेब्रा लाकुंसार के दरे बोंदले के दरे बता मेंग्रला मांग दे ब्रोलो से हे लेंब्रला मांद लेग्र लेग्रा हाजर 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 हा लहाजर हाज मिंदो लो प्रेले बोशा हा लेंग्र दीब्र लो सहांदला ले बोंदला हम रिगोजे के ब्रोजी का हमारे पार्टनर्स के लिए, उनके परिवारों के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, अवसर के दरवाजे उनके लिए खुले हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आशीष उनके लिए खुली है परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में। और वो हर दिन परमेश्वर असाधारण धन का, समृद्धि का परमेश्वर, और सुपरनेचुरल सप्लाई का अनुभव कर रहे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर, कहते हैं कि जैसे वो वचनों को सुनते हैं उनके पास परमेश्वर गहरी समझ आ रही है परमेश्वर, उनके पास बुद्धि आ रही है प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, वो लगातार अपने देने के द्वारा परमेश्वर, उस मैंडेट के द्वारा अपने आप को भरते रहेंगे कि वो विश्व को परमेश्वर नेटवर्क कर रहे परमेश्वर, सुसमाचार के द्वारा नेटवर्क कर रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, उनके गिविंग परमेश्वर हर जगह सुसमाचार को लेकर जा रही है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद उन्हें वो बुद्धि समझ देने के लिए। हाँ परमेश्वर, मैंडेट की समझ देने के लिए कि उनका काम है परमेश्वर विश्व को सुसमाचार के द्वारा भरने का परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद, इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, और आखिरी पॉइंट जो है हमारा प्रार्थना का वो है हमारे आत्मा जीतने की गतिविधियों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। और वचन लिया गया है रोमियो का पुस्तक उसका 1वां अध्याय उसका 16 से 18 वचन, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य, क्योंकि उसमें परमेश्वर की सत्यनिष्ठा विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से सत्यनिष्ठ जन जीवित रहेगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए जाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना और घोषणा करिए कि सुसमाचार सुनाने के अवसर के दरवाजे हमारे लिए लगातार खुले हैं, और इन कैंपेन्स के कारण बहुत से आत्माएं हमारे चर्च में आ रहे हैं और हमारी सेवकाई बढ़ रही है प्रभु यीशु के नाम में। घोषणा कीजिए कि जैसे ही हम सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु यीशु को दे रहे हैं, और वो अपने कामों में फलदायी हो रहे हैं, और मसीह यीशु के कमिटेड फॉलोअर हो रहे हैं।
आइए प्रार्थना करते हैं हमारे सोल विनिंग कैंपेन्स के लिए, आत्मा जीतने के कैंपेन्स के लिए। प्रोश आंख देखे रो लेम रला मांग दीर लो शहांग ले मेरा बहार जीर लो तेरे के तला मांग लो तला लें ग्रों तेरे के जबांग लो श इधर गे दलो रला बात लेम रला मांग दीर रला बात सवा कों तेरे ब्रे ले बोल तेरे के तेरे बता ले मोस आंक ली गे ले गे लें ग्रे ले मोश ईर ले मोश आंक दीर ले गे तेरा ओ रबा लो रला मोश इन ले गे तेरे के तेरे बतांग लो तेरे के जहा ले गे जहा ले गोश आंक ले गे इंद्रो शहा Libra lo monde le gede re gedera badang lo de le geza hang lo ndri gas ha o ragali gere vo sh and le gedera lengra lo conde le gede re ged lo de le kan le gede re gedera badap o rakeza ha o rakeza ha o rakeza kalo bra la kemro lo sh hand le izere le monde le gedera badar band ro de li gzidera ring do ombre le gede re gedera badang lo de le gzidera Min grosh alegra ha la reza ha glu segre le gos andri che trovo don che lendala le monz ale mozang 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 le mozang le che bro saha mer bodor mer bodor mer bodor madak li gez malang malang dungre gez ha dungre le gez ra la mang dungre le gez barakaloz alo kuzara Alokuzar, alokuzar, madank lingede. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, धन्यवाद परमेश्वर हमारे सोल विनिंग कैंपेन्स के लिए परमेश्वर हाँ परमेश्वर हमारे पास सुसमाचार सुनाने के अवसर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे परमेश्वर हाँ परमेश्वर जैसे हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं आत्माएं परमेश्वर अपना जीवन प्रभु यीशु को देती हैं हाँ परमेश्वर हम कहते हैं हर जगह परमेश्वर उद्धार हो रहा है परमेश्वर हाँ परमेश्वर जैसे वो अपना जीवन प्रभु यीशु को देते हैं हाँ परमेश्वर अपने कामों में परिणामी बनते हैं वो मसीह यीशु के कमिटेड फॉलोअर बन जाते हैं प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद परमेश्वर हाँ परमेश्वर इन कैंपेन्स के द्वारा आत्मा की महान फसल आपके राज्य में आ रही प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं आमीन हालेलुया पवित्र आत्मा उपस्थिति शांति आनंद प्रेम और उसके उपस्थिति सब कुछ संभव हालेलुया
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में, और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार, दिनांक 18 सितंबर 2022, और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर की योजनाओं के पीछे चलो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है नीति वचन अध्याय 16 वचन 25 से, जो कहता है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। पहला शमूएल अध्याय 15 में हम शाऊल के विषय में पढ़ते हैं और कैसे परमेश्वर ने उसे अमालेकियों पर विजय दिलाई। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे अमालेकियों को उनके पशु समेत पूरी तरह से नष्ट करने के निश्चित निर्देश दिए थे, लेकिन शाऊल और लोगों ने उन वस्तुओं को नष्ट कर दिया जो उन्हें नहीं चाहिए थी, और फिर अपने लिए कुछ पसंदीदा लूट को रखे रहे, यहाँ तक कि उन्होंने राजा को जीवित रखा। हालेलुया। शाऊल से अप्रसन्न होकर परमेश्वर ने कहा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। पहला शमूएल अध्याय 15 वचन 11 में आप पढ़ सकते हैं। कितना खेदजनक, शाऊल राजा था और लोगों को उसके पीछे चलना था, जबकि उससे परमेश्वर के पीछे चलने की आशा की जाती थी, लेकिन उसने बार बार परमेश्वर के सीधे निर्देशों का पालन नहीं किया। जब भविष्यवक्ता शमूएल ने उसे उसकी गलती के बारे में पूछा, तब उसने लोगों पर इसका दोष लगाया। उसने कहा, प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया है। पहला शमूएल अध्याय 15 वचन 5 में आप पढ़ सकते हैं। काफी बुरा था कि उसने उस स्पष्ट निर्देश को नहीं माना जो परमेश्वर ने उसे दिया था। लोगों पर दोष लगाते हुए उसने अपने कार्यों के लिए उत्तरदायित्व लेने से भी मना कर दिया। निश्चित ही अपनी जानबूझकर की गई अनाज्ञाकारिता का पालन करते हुए शाऊल परमेश्वर की योजना से वंचित रहा। परिणाम स्वरूप यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। पहला शमूएल अध्याय 16 वचन 14 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर के निर्देशों को मानो, उसके वचन, उसकी योजनाओं और उसके मार्गदर्शन को मानो। कुछ लोग उन महत्वाकांक्षाओं को पाने की कोशिश करते हैं जिसका उनके जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है। वे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए समर्पित नहीं है। इस तरह से मत जियो। आत्मा आपको जो बताता है उसके पीछे जाओ। वही है जो आप पर भेद की बातों और दैवीय रहस्यों को प्रकट करता है और अपने आप को परमेश्वर के सपने में खोजने में आपकी मदद करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो कोई विचार या योजना आपके पास है, सुनिश्चित हो जाओ कि यह परमेश्वर के वचन उसकी सिद्ध इच्छा के साथ मेल में है। उसके वचन के प्रभुत्व और मार्गदर्शन के लिए समर्पित हो जाओ। उसका वचन प्रकाश है, और यदि आप वचन में उसके पीछे चलेंगे तो आप अंधकार में नहीं चलेंगे, बल्कि आपके पास जीवन का प्रकाश होगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सारी बुद्धि और आत्मिक समझ में उसकी इच्छा के ज्ञान से भर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह समय घोषणा का, आप जहां कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन और उसके वचन के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ, क्योंकि उसका वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे रास्ते के लिए प्रकाश है।
जिसके द्वारा वह मुझे सफलता, विजय और असीमित आनंद में ले चलता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं भजन संहिता अध्याय 119 वचन 105 और इफिसियो अध्याय 2 वचन 10 AMPC अनुवाद से और इर्मयाह अध्याय 7 वचन 23। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं गलातियों अध्याय 3 वचन 15 से लेकर 25 और श्रेष्ठ गीत अध्याय 6 से लेकर 8। और दो वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं पहला तिमोथियुस अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 8 और इर्मयाह अध्याय 36। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं थाने से हूँ और ये मेरी मम्मी है, इनकी गवाही है। इनका नाम सुशीला गुप्ता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर फेस का और परमेश्वर का। पास्टर फेस ने हमारे लिए ये हीलिंग स्टीम का प्रोग्राम रखा और कि जब पास्टर प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने कहा कि टूटी हुई हड्डियाँ जुड़ रही है, तो मेरे मम्मी के पैर के जांग की हड्डी टूटी हुई है और उसका ऑपरेशन हुआ है, पर उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। पर पास्टर ने जब प्रार्थना की तो उन्हें ऐसा लगा कि उनकी हड्डियाँ जुड़ रही हैं और तब से उनके पैरों का दर्द बहुत कम है और बहुत कम दवाई खाती हैं, फिर भी वो अच्छी तरह से चल फिर सकती हैं। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर का और धन्यवाद पास्टर क्रिस का। धन्यवाद। सोचेगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोबे। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। आदेश देता हूँ बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूँ उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। सजदा करूं
क्योंकि तू महान है, महान है, महान है। आप परमेश्वर, आप हमारी योग्यता हैं, आप हमारी सहायता हैं, आप हमारा स्रोत हैं। कोई मनुष्य हमारा स्रोत नहीं है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद अपना ज्ञान हम तक लाने के लिए, धन्यवाद आपके आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके वचनों के ज्ञान के लिए, धन्यवाद हमें जयवन से बढ़कर बनाने के लिए, धन्यवाद हमें एक विरासत देने के लिए, धन्यवाद हमें मृत्यु के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में लाने के लिए। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं उन विजयों के लिए जो आपने हमें दी है, धन्यवाद मसीह में इस आनंदी और ऊंचे जीवन के लिए जहां पर हम सदा आगे बढ़ते जाते हैं, धन्यवाद हमारे हाथों के कामों से प्रसन्न होने के लिए, धन्यवाद हमारे जीवनों से प्रसन्न होने के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। आप महान हैं प्रभु, आप करुणामय हैं, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। आप प्रेमी परमेश्वर हैं, एकमात्र बुद्धिमान शक्तिशाली परमेश्वर हैं, पूरा विश्व आपका है, विश्व के सारे देश आपके हैं प्रभु। ओ धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए, जब वो यहाँ से जाएंगे दुनिया को बदलने की शक्ति और सामर्थ्य समझ देकर जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम, इनमें से हर व्यक्ति महान कामों को करेगा, हर व्यक्ति प्रभु। हाँ प्रभु, ये अलग किए गए हैं महिमा के लिए प्रभु, ये अलग किए गए हैं विजय के लिए प्रभु। ओ धन्यवाद, ये पवित्र हैं, धन्यवाद प्रभु, इनके जीवनों से आपकी महिमा होगी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम कहते हैं हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं प्रभु आपके वचन सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। हमारे पास एक जीभ है जो हमेशा सही बोलती है, कान है जो सही सुनते हैं, और हृदय है जो सही समझता है। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। हालेलुया। जोर चला सकते हैं महिमा। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? वाकई में तैयार हैं? जो संदेश मेरे पास आपके लिए है
वह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो होने दीजिए कि आप पूरा ध्यान दें। जानकारी बहुत शक्तिशाली है। आज जो कुछ भी हम जानते हैं वो हमें किसी ने बताया था। हमारा नाम, हमारे माँ बाप, हम कौन हैं, ये सारी जानकारी हमें किसी ने दी थी और उस जानकारी ने हमारी सोच को बनाया। उस जानकारी ने हमारे संबंधों को बनाया। उस जानकारी ने हमारे कदमों को निर्धारित किया कि कौन से कदम हमने उठाए। उस जानकारी ने हमारे चरित्र को बनाया और उस जानकारी ने हमें बनाया। इससे पहले कि आपको आपका नाम पता था, किसी ने आपको उस नाम से बुलाया और आपको बताया आपका नाम ये है। इससे पहले कि आपके पास बुद्धि होती, मुझे विश्वास है आज भी नहीं होगी, मत कीजिएगा। इससे पहले कि आपके पास बुद्धि होती और आप जाके अपने माँ बाप के साथ अपना डीएनए टेस्ट कराते और पता लगाते कि यही मेरे असली माँ बाप हैं, आप बचपन से मानते आए थे कि यही आपके असली माँ बाप हैं। जब आप पैदा हुए तो आपको नहीं पता था किसने आपको जन्म दिया, आपको नहीं पता था आपके पिताजी कौन है। ये सारी जानकारी किसी ने आपको दी, किसी ने आपको बताया कि आप कौन हो, किसी ने आपको बताया कि आप भारतीय हो, है ना, किसी ने आपको बताया कि आप भारतीय हो और आपने कहा मैं भारतीय हूं। तब क्या, जब आपके परदादा के परदादा के परदादा पाकिस्तान वाले पंजाब में रहते थे और पार्टीशन के टाइम भाग के इधर आ गए, अब क्या भारतीय हो? तब क्या, जब परदादा बांग्लादेश वाले भाग में रहते थे और भाग के कहां चले गए, इंडिया आ गए पार्टीशन के टाइम, तब क्या? सो जो जानकारी, जो कुछ आप अपने बारे में जानते हो, ये किसी ने आपको बताया। और यही कारण है कि शैतान उस जानकारी को कंट्रोल करना चाहता है जो आपके पास आती, क्योंकि उसे पता है अगर वो आपको गलत जानकारी देगा तो आप गलत चीजों में विश्वास करो, गलत संबंध बना लो, गलत कदम उठाओगे, आपका चरित्र गलत होगा और आखिर में आप असफलता के लिए तैयार हो जाओ। सो एक चीज जो आपको जिंदगी में बहुत ध्यान देनी है, हमेशा जो कुछ हम आपको बताते हैं वो इसी पर आधारित है। पूरी दुनिया का यही एम है जानकारी। परमेश्वर भी आपको एक जानकारी देना चाहता है, शैतान भी आपको एक जानकारी देना चाहता है। सारा खेल जानकारी का है, इंफॉर्मेशन का। और जिसकी इंफॉर्मेशन पे आप विश्वास कर लोगे, उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपकी सोच बनेगी, आपके संबंध बनेंगे, आपके कदम उठेंगे, आपका चरित्र बनेगा और आप बनोगे। तो जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, आपका काम है कि उस जानकारी को आत्मसात कर लेना, क्योंकि बाकी जो जानकारी आपके पास दुनिया से आ रही है वो सच से नहीं आई, सच से नहीं आई। आज कोई कह सकता है मैं भारतीय हूं, मैं क्या हूं, पाकिस्तानी हूं, मैं बांग्लादेशी हूं, मैं अफ्रीकन हूं, पर आखिर में तो सब एक ही आदम और हव्वा से आए, तो आखिर में कैसे कोई इंसान कह सकता है मैं भारतीय? अगर पूरी हिस्ट्री में घुस जाए, किस में घुस जाए, तो आखिर में कौन मिलेगा? परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के परदादा, आखिर में कौन मिलेगा? एक औरत और एक आदमी।
तो कैसे हमने डिसाइड कर लिया कि मैं ठाकुर हूं, ये क्षत्रिय हैं, मैं ब्राह्मण हूं, तुम चौहान हो, तुम ये हो, और हम तुम्हारे घर का पानी नहीं पी, हम तुम्हारे साथ शादी नहीं कर। ये कहां से जानकारी आपको आई? और इंसान जब आपको जानकारी देता है, उसका एम, ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जब इंसान आपको जानकारी देता है, उसका एम है आपको कंट्रोल करना, अपनी कठपुतली बनाना। जब इंसान आपको जानकारी देता है, उसका एम है आपको असफल बनाना। जब इंसान आपको, क्योंकि इंसान स्वार्थी है, वो कभी भी आपको वो जानकारी नहीं देगा जिससे आप ताकतवर हो जाओ, जिससे आप अमीर हो जाओ, जिससे आप महान बन जाओ। और भाग्य की विडंबना यह है, हमने उन सारी जानकारियों को आत्मसात कर ली, हमने मान लिया। किसी ने हमसे आके कहा तुम बेवकूफ हो, हमने मान लिया कि हम बेवकूफ। किसी ने हमसे आके कहा तुम बड़े काम नहीं कर सकते, हमने मान लिया कि हम बड़े काम नहीं कर सकते। जैसे कि भारत में महिलाओं से कहा गया, अगर तुमने घर का काम कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए और पति की सेवा कर ली, तुम्हारा जीवन सुधर गया, स्वर्ग भी सिधर गया। और कम ऑन, और महिला को लगता है कि जब उसने ये सब काम कर लिए, हो गया सब। सच्चाई कुछ और। तो आपका काम है लगातार, क्योंकि जानकारी हमारे पास लगातार आती है, हमारे वातावरण से, हमारे दोस्तों से, हमारे रिश्तेदारों से, टीवी से, न्यूज से, मीडिया से, जो कुछ आप देखते हो उससे एक जानकारी लगातार आपके पास आ रही है। इनफैक्ट यू नो, आपने लोगों को कपड़े पहनते हुए देखा, जानकारी आपके पास आ गई कि ऐसे कपड़े पहनते, आखिर में फैशन क्या है? बोले नहीं, इस कपड़े पे ये वाला पहनते हैं, इस पे ये वाली लिपस्टिक लगाते हैं, इस पे ये लगाते हैं। वो लगातार आपको जानकारी दे रहे, क्योंकि उन्हें पता है आप जानकारी के आधार पर ही कदमों को उठाओ, जानकारी के आधार पर ही आपकी सोच बनेगी। और यही कारण है कि आपको बहुत ध्यान देना है कि कौन सी जानकारी परमेश्वर की ओर से है और कौन सी जानकारी शैतान की ओर से। क्योंकि अगर आपने गलती से शैतान की जानकारी को आत्मसात कर लिया, आपके पास क्या होगी? गलत सोच, बोल सकते हैं, गलत सोच, गलत संबंध, गलत कदम, गलत चरित्र और गलत आप। आप इस चीज के साथ कभी नहीं खेल सकते। यही कारण है बाइबल कहती है, चलिए पढ़ते हैं भजन संहिता पहला अध्याय पहला वचन, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या ही धन है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा हो और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या है धन वो मनुष्य? वो बता रहा है कि जब आप, क्योंकि आप दुष्टों की युक्ति पर चल रहे हो, तो वहां से क्या मिलेगी? गलत सोच, गलत संबंध, गलत कदम, गलत चरित्र और गलत आप। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, क्योंकि पापी आपको सही जानकारी नहीं देगा, पापी आपको सही जानकारी ना देगा। और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर कौन सी जानकारी आ रही है जो आपको बर्बाद करने की। तो आपको लग सकता है कि वो जिन रिश्तेदारों के साथ में उठता बैठता हूं, वो आपका भला चाहते हैं, आपके रिश्तेदार भी धोखा खा चुके हैं, वो आपको भी क्या कर सकते हैं, बिना जाने धोखा दे सकते हैं। उन्हें भी नहीं पता है कि वो बहुत सालों पहले धोखा खा चुके हैं। और ये इंसान की परेशानी, इंसान की परेशानी पैसा नहीं है, इंसान की परेशानी नौकरी नहीं है, इंसान की परेशानी है जानकारी। सोच के देखिए, जब हमने कहा ओ बिजनेस नहीं चल रहे हैं, लोग गरीब हो रहे हैं, उसी टाइम पे हम सुन रहे थे अंबानी और अमीर हो गया, अडानी और अमीर हो गया। आखिर में अंतर क्या था? जानकारी। कुछ लोग उन दो साल में गरीब हो गए, कुछ लोग उन दो साल में क्या हो गए? और ज्यादा अमीर। तो अब क्या था, दो साल में अमीरी थी कि गरीबी थी? अब सवाल ये, जिंदगी सरल थी या कठिन? कितना समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? हेलो हेलो हेलो, है क्या सवाल? क्या है अब, जिंदगी सरल थी या? जवाब दीजिए। कोई जवाब नहीं। क्योंकि जिसको लग रहा था कठिन है, उसके लिए जिंदगी क्या हो गई? कठिन। जिसको लग रहा था जिंदगी सरल है, उसके लिए जिंदगी क्या हो गई? सरल। उन्हीं दो सालों कितने लोग आगे बढ़ गए, कितने लोग आगे बढ़ गए, उनको बुद्धि आ गई, उन्होंने नई चीजें सीखना शुरू कर दी,
कितने लोगों को समझ में आ गया कि दुनिया जैसी थी वैसी नहीं है। उन्होंने अपने अंदर क्या किया, निवेश किया, नई चीजें सीखी, नई सोच उन्होंने अपने अंदर पैदा की कि वो कैसे उस स्थिति में भी क्या करें, जीत पाए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि दुनिया जैसी दिखाई देती थी वैसी नहीं है। जिन चीजों से लगता था लोग अमीर हो जाएंगे, उन चीजों से लोग अमीर होने वाले नहीं। उन्होंने उस जानकारी को कंट्रोल किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। है क्या? यही कारण है कि आप परमेश्वर के वचन के साथ खेल नहीं सकते। और जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, आप उस पर मनन करता कि उस जानकारी से चलिए। यहोशू पहला अध्याय 8 वचन, व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। क्यों परमेश्वर कह रहा है इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना? क्योंकि यही सही जानकारी है, यही सही जानकारी है। व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, कि इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी कर। और मैंने आपको बताया वहां पर मतलब क्या है, कि जब आप उस पर मनन करेंगे, उस जानकारी को अपने अंदर लेंगे, आप ऑलरेडी क्या करोगे, सही सोचोगे, सही संबंध रखोगे, सही कदम उठाओगे, सही चरित्र होगा, और आप कहां बन जाओगे, एक सफलता। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है वहां कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्योंकि ऐसा ही करने से, बोली ऐसा ही करने से, कुछ और करने से नहीं। तो अगर आप कुछ और करके सफल बनने की कोशिश कर रहे थे, आप ऑलरेडी गलत रास्ते में थे। लिखा है वहां पर ऐसा ही करने से, कैसा ही करने से, जानकारी पर मनन करने से, इस हद तक मनन करने से कि वही जानकारी आपकी सोच बनाए, वही जानकारी आपके संबंध बनाए, वही जानकारी क्या करे, आपके कदम निर्धारित करे, वही जानकारी आपका चरित्र बनाए, वही जानकारी आपको बनाए। बोले जब तू ऐसा कर लेगा तब तेरे सब काम सफल होंगे और तू अपने आप को क्या बनाएगा, सफलता। प्रेज द लॉर्ड। उसने नहीं कहा परमेश्वर आपको सफलता बनाए। बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें सफलता बनाएगा। गलत जानकारी, ये शैतान से आई जानकारी कि चिंता मत करो परमेश्वर तुम्हें सफल बनाएगा। ये गलत जानकारी है, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। बोले हैं, परमेश्वर सफल नहीं बनाता तो कौन बनाता? यहां पे तो नहीं लिखा, यहां पे क्या लिखा है, हम हैं जो अपने आप को क्या बनाते हैं, सफल। तो आप पूरी जिंदगी इंतजार कर सकते हो कि परमेश्वर आपको सफल बनाएगा, और वो होने वाला नहीं है, वो होने वाला नहीं। जैसे आप पूरी जिंदगी इंतजार कर सकते हो कोई दूसरा आएगा और आपके लिए खाना खाएगा, कब ये प्रार्थना पूरी होने वाली? हेलो हेलो हेलो, पड़ोसी से पूछिए, कोई आएगा और आपके लिए खाना खाएगा? पड़ोसी बताइए, पड़ोसी बोलिए, कोई आएगा आपके लिए खाना खाएगा? सही बात है, हाँ है क्या? सही, कितनों लगता है ये सही है? अच्छा, कितने को लगता है गलत है? पड़ोसी पूछ रहा हूं। वैसे ही ये भी गलत है कि कोई आएगा और तुम्हें सफल बनाएगा। कोई आपको आके सफल बनाने वाला नहीं। तो अगर आप इंतजार कर रहे थे कोई आएगा घोड़े के रथ पे सवार होके आपको सफल बनाने, भैया जागो, जागो ग्राहक, जागो, है ना, जागो। पड़ोसी बोली जागो, जागो। बोले कोई आपको सफल नहीं बनाएगा। सच्चाई लिखा है, मैं अपने दिमाग से जानकारी नहीं दे रहा, इसमें परमेश्वर का कोई उल्लेख नहीं, इसमें क्या इंग्लिश में लिखा है, फॉर देन दाउ शैल मेक दाई वे प्रॉस्पर, तब तू अपना रास्ता समृद्ध बनाएगा और तब तू अच्छी सफलता होगा, तू अपना रास्ता समृद्ध बनाएगा। अच्छा, इस जानकारी के साथ जीना शुरू कर दिया, कोई आपको सफल बनाने नहीं आएगा। किसी को आपकी नहीं पड़ी, और ये सच है। अगर आपको लगता है पास्टर की आपको पड़ी है, थोड़ी ही पड़ी है, ज्यादा नहीं पड़ी, क्योंकि एक हद तक ही मैं आपकी सहायता कर सकता हूं जब आप मेरी जानकारी के द्वारा चलना सीख लो। अगर आप मेरी जानकारी के द्वारा चलना नहीं सीखोगे, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं यहाँ पे, इसीलिए आपकी सहायता करने कोई नहीं आएगा। सही है, कोई नहीं आएगा। तो अगर आप आशा कर रहे थे कोई आएगा, उस आशा को तोड़ दीजिए और अपने अंदर क्या हो जाइए, खड़े हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सच्चाई क्या है
कि आप खुद को सफल बना सकते, आप खुद को सफल बना सकते। और परमेश्वर यही चाहता है कि आपकी सफलता आपके द्वारा आए। बट सफलता के लिए आपको क्या चाहिए? सही जानकारी, इस हद तक कि उसी जानकारी से आप जियो। हालेलुया। तो पड़ोसी से बोलिए, आप अपने आप को सफल बना सकते हो, और आप ही हो जिसको अपने आप को सफल बनाना है। हेलो है क्या? यू नो, जब आप उस सफलता के रास्ते में चलना शुरू करोगे तब आपको लोग मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब आप उस सफलता के रास्ते में चलना शुरू नहीं करोगे तो आपकी सहायता करने के लिए जो लोग हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। वो परमेश्वर उससे बातें करे, मैंने कहा ओके, पर क्या आप उस लेवल तक आ गए हो जहां पर परमेश्वर आपको ऊंची बातें बता सके? बहुत से लोग परमेश्वर से सुनना ही नहीं चाहते, वो केवल परमेश्वर को सुनाना चाहते कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरी इसमें सहायता करो, इसमें सहायता करो, इसमें सहायता करो। उनको नहीं पता है, परमेश्वर को बताया नहीं जाता है, परमेश्वर से सुना जाता। अगर आप कभी क्लास में गए थे, कितने लोग क्लास में गए, वहां पर क्या रूल था? सुनना या सुनाना? क्यों? क्योंकि सामने कौन खड़ा था? टीचर। टीचर को आपसे ज्यादा पता था या आपको टीचर से ज्यादा पता था? तो आप बुद्धिमान थे या नहीं थे? कौन किसकी सुन रहा था? क्यों सुन रहे थे? टीचर को। तो मैं कहता हूं परमेश्वर की क्यों नहीं सुन? जिंदगी कठिन है का? जिंदगी में परेशानी है? आपका इतनी बुद्धि थी कि आप किसकी सुन रहे थे? टीचर की। तो अब वो बुद्धि कहां गई कि परमेश्वर की सुनने में परेशानी है? हम इंसान की बातों पर भरोसा कर लेते हैं। अगर हम इंसान की बातों पर भरोसा कर सकते हैं तो परमेश्वर की बातों पर क्यों नहीं कर सकते? ये सबसे बड़ी परेशानी है इंसान की। तो सच्चाई है, जब तक आप इंसान हो तब तक आप इंसान की बातों पर भरोसा करो, पर जब आप अपने आप को परमेश्वर की तरह देखोगे तब आप परमेश्वर की बातों पर भरोसा करोगे। प्रेज द लॉर्ड। और ये वो चीज है जिससे आपको लड़ना है। कोई भी व्यक्ति आपसे परमेश्वर से ज्यादा प्रेम नहीं कर सकता। वो आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माँ बाप। किसी इंसान के अंदर वो योग्यता है ही नहीं कि वो आपसे परमेश्वर से ज्यादा प्रेम कर सके, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अगर इस चीज को आप समझ जाओ और इस चीज के द्वारा अपनी सोच को, अपने संबंधों को, अपने कदमों को, अपने चरित्र को और अपने आप को बनाना शुरू कर दो कि मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर करता है और मैं केवल परमेश्वर की मानूंगा, वो आपकी जिंदगी की सबसे अच्छा दिन होगा, सबसे अच्छी शुरुआत। अगर आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा दो, परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति आपको कोई नहीं मिलने वाला, परमेश्वर से ज्यादा अमीर व्यक्ति आपको अपनी जिंदगी में कोई नहीं मिलने वाला, है हा? परमेश्वर से ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति आपको जिंदगी में कोई नहीं मिलने वाला। तो जब इससे ज्यादा बुद्धिमान, इससे ज्यादा शक्तिशाली, इससे ज्यादा अमीर, इससे ज्यादा प्रभावशाली, और इन सब बातों के बाद सबसे बड़ी चीज क्या है, इससे ज्यादा मुझसे प्रेम करने वाला मुझे मिलने वाला नहीं है, तो मैं इंसान की क्यों सुन, मैं दुनिया की क्यों सुन? अगर लोग इतनी सी बात समझ जाए उनकी जिंदगी बदल जाएगी और लोगों को यह बात समझने में जिंदगी लग जाए। हेलो 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 हेलो, जो मैंने आपको सिखा रहा हूं ना, क्या कहा? आपकी सोच, रिश्तेदारी, तीसरा क्या बोला मैंने? कदम, यही बोला ना? चौथा क्या बोला? चरित्र। और पांचवा क्या बोला? आप। ये वो काम करना है। तो बीमारी से मेरी रिश्तेदारी बदल गई। अब बीमारी को मैं कैसे देखता था? नफरत से। उनकी बीमारी तू कैसे आएगी, मैं तुझे आने नहीं दू, तू मेरे शरीर में नहीं आ सकती, मेरे शरीर में तेरा कोई काम नहीं। बीमारी के साथ मेरा संबंध बदल गया, बीमारी के लिए मेरी सोच बदल गई, मैं और बीमार, मैंने कहा कम ऑन, मैं और बीमार नहीं, ये मेरे साथ होगा नहीं, मैं इसको अपने साथ होने नहीं दूंगा।
क्योंकि बीमारी कहाँ जाती है? लहू में। और मैं लहू से जन्मा नहीं हूं, मैं किससे जन्मा हूं? वचन से जन्मा हूं, मैं आत्मा से जन्मा हूं। इस बीमारी को मैं अपने शरीर में काम नहीं करने दूंगा। जिस तरह से होता ना, अगर आप एक औरत हो और आपकी शादी हो जाए और आप चरित्रवान हो, आप अपना मन बनाते हो कोई दूसरा आदमी आपको उसके बाद नहीं छुएगा। प्रेज द लॉर्ड। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और आप चरित्रवान पुरुष हो, आपकी शादी हो जाए तो आप अपना मन बनाते हो आज के बाद कोई औरत मुझे नहीं छुए। वैसे ही मैंने कहा बॉय, आज के बाद कोई बीमारी मुझे नहीं छुए, मैं किसी बीमारी को अपने आप को छूने नहीं दूंगा, कोई बीमारी मेरे शरीर में घुस के रह नहीं पाएगी। मेरा संबंध बदल, मेरी सोच बदल। पर वो एक दिन में नहीं हुआ, मुझे उसमें क्या बैठी करना पड़ा? मनन, मनन, मनन। फिर मैंने एक दिन पढ़ा, हो सारी दुनिया मेरी है। मैंने की व्हाट, सारी दुनिया मेरी है, सारी दुनिया मेरी है। मैंने की वो सारी दुनिया मेरी है, मैं अमीर हूं, सारी दुनिया मेरी है, मैं अमीर हूं। मैंने कम ऑन, सारी दुनिया मेरी है, मैं अमीर हूं, वाह सारी दुनिया मेरी है, मैं अमीर हूं। क्योंकि इस पर विश्वास करना ज्यादा मुश्किल हो रहा, क्योंकि दुनिया ने बताया जो तुम्हारा है वो भी तुम्हारा नहीं, आधा सरकार का है। हालेलुया। सुन रहे हैं? तो जानकारी देना शुरू करूं क्या? आपका काम क्या है? इस जानकारी को अपना बना लेना, इस जानकारी से अपनी सोच बनाना, इस जानकारी के आधार पर क्या रखना? संबंध। क्या रखना? संबंध, संबंध। क्योंकि यही जानकारी है जो सच है। जो कुछ हमने आपसे कभी भी कहा वो हमेशा सच निकला, हमने आपसे कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि हमें आपका वोट नहीं चाहिए। चाहिए क्या? हेलो हेलो हेलो, चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो हमारे पास आपसे झूठ बोलने के लिए कुछ भी नहीं, हमारे पास आपको देने के लिए वादे नहीं है, हमारे पास क्या है? सच्चाई। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम आपको कंट्रोल करना नहीं चाहते, हमारा एम आपको कंट्रोल करना नहीं है, हमारा एम क्या है? आपको सही दिशा में चलाना। तो बहुतों को बोले नहीं, वहां पे बोलते हैं मंडे को भी आओ, वेनेसडे को भी आओ, हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। हम तो नहीं करना चाहते, सरकार भले ही करना चाहती, और कुछ लोगों को वही कंट्रोल लगता है। बोले इस चर्च में संडे को भी जाओ, मिड वीक मीटिंग में भी जाओ, फिर सेल में भी जाओ, फिर इसमें भी जाओ, हमें कंट्रोल, हम आपको स्वतंत्र बना रहे, हम आपको कंट्रोल नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप इन जगहों पर नहीं आओगे, कभी भी आपके पास जानकारी नहीं आई, क्योंकि देने के लिए बहुत सारी जानकारी है, तो हमें वो तरीके बनाने ताकि हम लगातार आप तक सही जानकारी ला सके। कितने लोग हैं जो मिडवीक मीटिंग घर पे बैठ के देखते हैं? बहुत कम लोग हैं आप में से। कितने लोग मिडवीक मीटिंग देखी पिछली? हाथ ऊंचे उठाइए, सच्चाई में देखी, हाथ ऊंचे उठाइए। अच्छा, कितनों ने ऑफरिंग दी? देखिए हाथ आगे आधे कम हो, क्योंकि उन्हें लगा घर पे बैठ के मिडवीक मीटिंग देख रहे तो ऑफरिंग कौन देगा? क्यों? परमेश्वर कम हो गया? जानकारी। बोले हमने अपने घर पे ही तो देखी है, हम अब ऑफरिंग क्यों दें? और कितनों ने देखी नहीं, बिकॉज दे डोंट थिंक इट इज नेसेसरी। लोगों को लगता ही नहीं ये जानकारी उनको चाहिए, उन्हें लगता है बस जो हमें पता है वही पता है, और जो आपको पता है वो किसने बताया? उन लोगों ने जो आपको कंट्रोल करना चाहिए, जो आपका फायदा उठाना चाहते, ना कि हम जैसे लोग जो आपकी सफलता में क्या करते हैं? विश्वास। तो दुनिया के लोगों से उन्हें प्यार है, पर परमेश्वर के लोगों से उन्हें नफरत। जो उनसे प्यार करते हैं उनसे वो नफरत। हमें अपनी रिश्तेदारी परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, ये सच्चाई है। दुनिया रिश्तेदार कुछ कह दे हम मान लेंगे, चर्च में कुछ कह दे नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि परमेश्वर कौन है। उन्होंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है कि मैं केवल वही, यू नो वो हम गाना गाते थे ना कि मैं वो हूं जो वो कहता, मैं वहां हूं जो वो जहां वो कहता, मैं वो करता जो वो मुझसे करने को। ये सच्चाई आपको अपनी जिंदगी में पूछना है, क्या आप वो हो जो परमेश्वर ने कहा है आप हो? अपने दिमाग में कहीं आपने मान तो नहीं लिया कि आप गरीब हो, कहीं आपने मान तो नहीं लिया आप बीमार हो, कहीं आपने मान तो नहीं लिया आप असहाय हो, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप क्या हो? जयवंत से बढ़कर हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच्चाई है कि आप सब कुछ कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
सुन रहे हैं, सच्चाई है कि सारी दुनिया आपकी ग्लोरी, सुन रहे हैं आप, समझ में आ रहा है? और ये वो जानकारी है जिसके द्वारा आपको काम कर, जिस द्वारा आपको काम कर। मैंने हर हफ्ते हम बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी सारी चीजें अच्छी हो, हमारी सारी चीजें अच्छी हो। तो इस संडे में, इस हफ्ते मैंने बहुत ज्यादा प्रार्थना की, तो मैं पीछे खड़ा था तो गलती से उसने माइक्रोफोन एक बार बंद कर दिया, एक सेकंड के लिए हुआ। मैंने कहा नहीं शैतान तू झूठा है, मेरे पास बेस्ट साउंडमैन है, बेस्ट क्वायर है, प्रभु यीशु मसीह के नाम है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे जानकारी आ रही थी कि वो आदमी बेकार है, और मुझे उस जानकारी से लड़ना है। वैसी जानकारी आपके पास आ सकती है कि आप बेकार हो। अब आपका काम क्या है? इस जानकारी से लड़ो कि आप बेकार नहीं। आप इस जानकारी से लड़ो कि आप एक अच्छे सेल लीडर हो। आप इस जानकारी के साथ लड़ो कि आप 10 लाख दे सकते हो, 50 लाख दे सकते हो। ये नहीं कि चर्च में कहा गया इसके लिए पैसा दो, इसके लिए पैसा दो और आपको बुरा लग गया। नहीं, आप कहते हो वाओ, थैंक यू, इन्होंने मुझे चैलेंज किया है। कोई है जो 10 लाख दे रहा है, मैं वो क्यों नहीं हो सकता हूं जो 10 लाख दे रहा है? मैं वो क्यों नहीं हो सकता हूं जो 100 लाख दे सकता है? मैं वो क्यों नहीं हो सकता हूं? ये नहीं कि चर्च में मांग रहे नहीं, हम मांग नहीं रहे, हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो। हम आपको आपकी योग्यता बता, आपको लगता है आप नहीं दे सकते हो, हम आपको बता रहे हैं आप दे सकते हो, अगर आप उस जानकारी को सही से अपने दिमाग में प्रोसेस करो। कि बहुतों को बुरा लग जाता है, बोले जब देखो इसके लिए मांग रहे हैं, किसी चीज के लिए नहीं मांग रहे। और सवाल है, अगर हम मांग रहे हैं क्या आपने दिया? कितने लोग यहां पर जो पार्टनरशिप कर, चलिए हाथ उठाइए, कितने लोग जो पार्टनरशिप कर, कितने लोग पार्टनर है, ऊंचा हाथ उठाइए ना, शर्म के शर्मा क्यों। अच्छा, कितने लोग हैं जो महीने की 10,000 से ज्यादा करते हैं? एक हाथ। तो जब कह रहे मांग, हमें कौन दे रहा है? तुम हम क्यों मांग रहे तो लोग दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। हम मांग नहीं रहे, हम लोगों को बता रहे हैं। पर कितने लोग हैं जो उस जानकारी के साथ अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि वो बड़े काम कर सकते हैं? कितने लोग हैं? जब हम कहते हैं 25 लोग लाओ, कितने लोग हैं जो 25 लोग लाने की वाकई में तैयारी कर रहे हैं? जब हमने कहा एक आत्मा को जीत में चर्च में लाओ, कितने लोग जो इन शब्दों को सच मानकर इन शब्दों को अपने जीवन में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो उस जानकारी के साथ सफल बनने की कोशिश कर रहे हैं? कितने लोग हैं? ये परेशान है। और यही वो जिसको हम कहते हैं विश्वास की लड़ाई, विश्वास की लड़ाई। क्योंकि विश्वास क्या है? परमेश्वर के वचनों के लिए आपका उत्तर। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास क्या है? परमेश्वर के वचनों के लिए आपका उत्तर। तो जब आपसे कहा गया हो आप 25 आत्माएं ला सकते हो, आप कहते हो यस, पास्टर ने 25 कहा है, मैं 50 ला के दिखाऊंगा, इनफैक्ट मैं 25,000 चर्च खोल के पास्टर को दूंगा। प्रभु, दिस इज व्हाट यू प्लान, दैट्स हाउ यू थिंक। ये आप इस तरीके से सोचते, क्योंकि जिस तरह से परमेश्वर ने मेरे साथ काम किया, मैं चाहता हूं परमेश्वर आपके साथ भी काम करे। मुझे पता मेरा दर्शन परमेश्वर ने कैसे बढ़ाया, तो हम आपको मौके देते हैं कि आप अपने दर्शन को बढ़ाओ, उस दर्शन के साथ काम करो। तो हम कहीं यहां पे पैसे मांगते, कोई पैसे नहीं मांगते। जब आपने हमें फोन किया प्रार्थना करो, हमने कहा अपने आप करो, हम आपको गोदी में लेके घूमना नहीं चाहते। जहां पर आप हमारे ऊपर क्या हो जाओ, आश्रित हो जाओ। पर बहुतों को ये समझ में नहीं आता, पास्टर के पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने। पास्टर के पास टाइम है प्रार्थना करने का, पर क्या आपके पास अपने लिए प्रार्थना करने का टाइम है? सवाल ये है, क्या आपने अपने लिए प्रार्थना करना सीखा है? आपने अपने लिए प्रार्थना करना नहीं सीखा है, मैं आपके लिए प्रार्थना क्यों करूं? क्योंकि हमारा एम आपके लिए केवल प्रार्थना करना नहीं है, हमारा एम है कि आप अपने लिए प्रार्थना करके दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीख जाओ। प्रेज द लॉर्ड। पर कितनों को समझ में आता है, बोले नहीं पास्टर मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूं, मैं आज से चर्च में नहीं आऊंगा, क्योंकि जब हमें आपकी जरूरत थी तब आपने हमारा फोन नहीं उठाया। मैंने कहा तो आप अपनी टांगों पे खड़े हो जाते। कितनों ने सत्ते पे सत्ता पिक्चर देखी? कोई मेरी उम्र का है भारत के, सब पाकिस्तान के हैं, यहां पे लग रहा है, इनका पासपोर्ट चेक करना। कितनों ने सत्ते पे, अरे हाथ उठाई थोड़ा, मैं आपको भगा दूंगा चर्च से। वो अमिताभ बच्चन की पिक्चर नहीं सत्ते पे सत्ता, तो उसमें एक सीन था, वो एक लड़की थी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, याद है, और नकली वाला अमिताभ बच्चन उसको मारने के लिए आ रहा था चाकू लेके, और वो चाकू लेके मारने आए, लड़की क्या हुई, व्हील चेयर से उठ के भाग गई। वो चीज मेरे दिमाग से कभी नहीं उतरी। मैंने कहा वाह, लोगों को मारना पड़ता तभी लोग चलते हैं। प्रोफेसर
तो मुझे लोगों को धक्का देने में कोई बुराई नहीं, मुझे उनको चाकू दिखाने में कोई बुराई नहीं लगती, क्योंकि मुझे होता है चाकू देख के उठ जाए, ऐसे तो उठेंगे है नहीं, ऐसे क्या सोचते हैं हमें गोद में ले लो पास्टर, हमें दूध पिला दो पास्टर, पास्टर प्रार्थना कर दो हमारे लिए पास्टर, पास्टर प्लीज ना प्लीज, पास्टर घुटनों में दर्द हो रहा है पास्टर, आप हाथ रख दोगे तो सही हो जाएंगे, आप अपने हाथ कब रखोगे, कब तक हमारी गोद में जियोगे आप, प्रेज द लॉर्ड, जिंदगी में व्हीलचेयर पे जाना है क्या, हालेलुया, हैं क्या, कितने लोग हैं, हैं या नहीं है, या भाग गए, अच्छा ना अगली बार आने वाले नहीं, अगली बार ज्यादा लोगों को लेके आने का, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि यहां पर क्या सिखाते हैं चलना, पढ़ो बोले यहां पर चलना सिखाते हैं, गोद में लेके नहीं घूमते, गोद में लेके घूमे आपको, पास्टर प्रार्थना कर दो, पास्टर पैसे नहीं, मैंने कम ऑन, कब तक आप गोद में रहो, प्रेज द लॉर्ड, क्या आप महान काम कर सकते हो, बोली मैं महान काम कर सकता हूँ, खुश होकर बोली मैं महान काम कर सकता हूँ, मैं 10 लाख आत्माएं जीत सकता हूँ, मैं 50 लाख आत्माएं जीत सकता हूँ, ये बीज तो जाने दीजिए, सुन रहे हैं, ये बीज है, अगर ये चला जाए तो ये फल लाएगा, पर सवाल है क्या ये बीज आप अपने अंदर ले जाना चाहते, फिर से बोली मैं 50 लाख आत्माएं जीत सकता हूं, मैं दुनिया जीत सकता हूं, मैं करोड़ों रुपए सुसमाचार के लिए दे सकता हूं, कुछ लोग नहीं समझ रहे, उनको लगता है कि उनको लूटा जा रहा है, नहीं, ये आपको करोड़ों रुपए देने की क्या दी जा रही है, योग्यता, इसका बीज आपके अंदर डाला जा रहा है, क्योंकि हमें पता है ये चीजें काम कैसे करती, हमने अपनी जिंदगी में इन चीजों को काम करते हुए देखा, हालेलुया, हैं क्या, कितने लोग हैं, हैं, ओके चलिए कुछ और जान, जल्दी चलते हैं, कुलुसियों पहला अध्याय 11 वचन, थोड़ी जानकारी दे देता हूँ उसकी महिमा की, पिछली बार हमने पढ़ा था, चलिए 9 से पढ़ लेते हैं, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, प्रेज द लॉर्ड, वो नहीं कह रहा कि हम चाहते कि तुम हमारी गोदी में आके बैठ जाओ, वो कह रहा तुम खुद सारे आत्मिक ज्ञान को जान लो, सारी समझ तुम्हारे पास हो, तुम परमेश्वर की इच्छा की पहचान में क्या हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ, तुम ये सोचिए कितनी बड़ी चीज है, पर कोई इसको सुन के परेशान हो सकता है, नहीं अब पास्टर को हम फोन नहीं कर सकते, क्यों कर सकते, क्या जरूरत है आप, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मज्ञान और समय सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, नेक्स्ट, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, प्रेज द लॉर्ड, ताकि तुम क्या करो प्रभु के योग्य चलो, ये नहीं किसी की गोदी में बैठे रहो, और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो, कौन प्रसन्न हो, प्रभु, प्रभु कब प्रसन्न है, जब आप बड़े काम कर रहे हो, प्रभु तब प्रसन्न नहीं जब केवल मैं बड़े काम कर रहा हूं, अगर मैं बड़े काम कर रहा हूं तो प्रभु मुझसे प्रसन्न है, आपसे प्रसन्न नहीं है, आपको अपने बड़े काम कर, आपको अपना जीवन परमेश्वर के हिसाब से जीना है, तो मत कहिए वो पास्टर आए से परमेश्वर के हिसाब से जी रहे हैं, नहीं आपको जीना है, हम सबको परमेश्वर के अनुसार जीना है, प्रेज द लॉर्ड, और तुम में, बोली तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, यानी परमेश्वर कह जाता है आप में और मुझ में, हम सब में क्या लगे, फल लगे, हम सब क्या हो जाए महान, हम सब क्या हो जाए बड़े, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो महानता दी है, वो महानता हमारी आत्माओं में है, हम महान परमेश्वर की महान संतान है, प्रेज द लॉर्ड, बोलिए मैं महान परमेश्वर की महान संतान हूं, मैं आम आदमी नहीं हूं, मैं आदमी ही नहीं हूं, मैं ईश्वर हूं, बोलिए मैं ईश्वर हूं, जैसा यीशु है वैसा मैं हूं, मैं महान कामों को करने के लिए हूं, महान मेरे अंदर रहता है, महान मेरे अंदर रहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं उस मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, हालेलुया, वाह वाह वाह, ओके, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, तुम्हें हर प्रकार के, ओ बॉय, हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, प्रेज द लॉर्ड, यानी मैं पार्टनरशिप कर सकता हूं, मैं आत्माएं जीत सकता हूं और मैं पार्टनरशिप सबके साथ कर सकता हूं, मैं रैप्सोडी, कम ऑन, आप मुझे देखते नहीं देखते, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग, प्रेज द लॉर्ड, तुम्हें हर प्रकार के भले कामों के फल लगे, प्रेज द लॉर्ड, और तुम परमेश्वर की पहचान में क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ, पड़ोसी बोली बढ़ते जाओ,
बढ़ते जाओ, रुक मत जाओ। प्रेज द लॉर्ड। किसकी पहचान में? परमेश्वर। दुनिया को ज्यादा जानने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि दुनिया को जानने के लिए कुछ है ही नहीं। दुनिया दुष्टी और विनाश की ओर है, तो दुनिया के तौर तरीके जानने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको जानना है तो किसको जानिए? परमेश्वर। ये आपका उद्देश्य होना लिखा है वहां। और तुम परमेश्वर की पहचान है। पड़ोसी बोली, तुम परमेश्वर की पहचान। ये नहीं तुम्हारे दादा ये थे, परदादा ये थे, ये तुम्हारी चाची है, ये तुम्हारी बुआ है, ये तुम्हारी बहन है, इसी पहचान में बढ़ रहे। वो पहचान से कोई फायदा नहीं। कितने रिश्तेदारों ने आपको पैसा दे दिया? हंस ली। कितनों ने आपकी सहायता करी? मैं सवाल पूछू, कितनों ने आपकी सहायता की? मेरी बहुतों ने, बहुतों ने मेरी सहायता की, और मैंने उन्हें कभी जानने की कोशिश नहीं की। मैंने किसको जानने की कोशिश की? परमेश्वर। नेक्स्ट, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वाह 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 वाह। मैं सामर्थ्यशाली हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, मैं सामर्थ्यशाली हूँ, मैं सारी सामर्थ्य से भरा हुआ हूँ, मैं बलवंत हूँ, मैं बलवंत हूँ, मैं बलवंत हूँ। यहां तक कि आनंद के साथ, बोलिए आनंद के साथ, आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। वो क्या बता रहा है? चुनौती में जब गुजरो तो बुरा मत मानो, क्या मनाओ? आनंद मनाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मनाओ? आनंद, आनंद। बस सोचिए, कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो आनंद से, पड़ोसी बोलिए आनंद से, आनंद से, आनंद के साथ, यानी आनंद को हमेशा साथ रखिए। प्रेज द लॉर्ड। आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। वो बता रहा है कि तुम क्या दिखा सको? धीरज दिखा सको, तुम सहनशीलता दिखा सको। तुम वो नहीं मरेगा, वो कह रहा आनंद के साथ क्या दिखा सको? धीरज और सहनशीलता, यानी पगला जाओ। बोले हम तो पगला गए, हार दिमाग कहा नहीं करा, क्या करें? ये नहीं करना है आपको। क्या लिखा है? और भी आनंद के साथ धीरज और सहनशीलता, सही है? तो क्या रहो? कंपोज। क्या रहो? कंपोज। कितनी भी बुरी खबर आए, इट्स ओके। ये नहीं बुरी खबर सुन के आप, आपके भी प्राण पखेरु हो गए। प्रेज द लॉर्ड। धीरज और क्या दिखा सको? सहनशीलता। नेक्स्ट, और पिता का धन्यवाद करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। बोली परमेश्वर धन्यवाद, मेरे जीवन के लिए धन्यवाद, आपके आनंद के लिए धन्यवाद। तो केवल ये मत बोलेगा परमेश्वर धन्यवाद, उसे बताइए आप किस चीज के लिए कि धन्यवाद कर रहे हैं। और पिता का धन्यवाद करो जिसने हमें इस योग बनाया। प्रेज द लॉर्ड। बोली धन्यवाद मुझे योग बनाने के लिए। बोली धन्यवाद मुझे योग बनाने के लिए। मैं योग्य हूं, मैं योग्य हूं। ग्लोरी। सुन रहे हैं आप? कोई भी वस्तु आपको बताए कि आप योग्य नहीं हो, आप ये नहीं कर सकते, आपको ये सच्चाई के साथ काम करना है। पिता आपने मुझे योग्य बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए परमेश्वर ने मुझे योग्य बनाया है, परमेश्वर ने मुझे योग्य बनाया है, परमेश्वर ने मुझे योग्य बनाया है। सुन रहे? तो कोई भी आपको बेकार नहीं कर सकता। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरासत में सहभागी हो। प्रेज द लॉर्ड। यानी हम अपनी विरासत को ले सकते हैं। ग्लोरी। सुन रहे हैं आप? आप बहुत अमीर हो सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप अरबपति हो सकते हो, हालेलुया। आप करोड़पति हो सकते हो यीशु के नाम में। ग्लोरी। लिखा है वहां पे, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ क्या हो? विरासत में सहभागी हो। मत होने दीजिए कि लोग आनंद उठा रहे हैं और आप संघर्ष कर रहे हो। आपको भी क्या होना है? उस विरासत का सहभागी। ग्लोरी। ये किसका काम है? आपका। और परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है? योग। आप इस योग हो कि आप क्या कर सको? विरासत में सहभागी हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब आपसे कहा जाए 10 लाख दो, आप कहते हो ओ परमेश्वर मैं योग्य हूं, अपनी विरासत से ये 10 लाख रुपए निकाल के मैं दे सकता हूं यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? ओ मैं 1000 आत्माएं चर्च में ला सकता हूं, मैं 10,000 ला सकता हूं, मैं क्या हूं? योग्य हूं। बोली मैं योग्य हूं, मैं योग्य हूं, मैं योग्य हूं। कभी भी अपने आप को बेकार मत समझिएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है? योग्य।
कि आप क्या कर सकते हो, अपनी विरासत में सहभागी हो सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। किसी ने कहा जब इतना सारा है थोड़े में काम क्यों चला रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप, बोली बहुत सारा है, थोड़े में काम क्यों चला रहे। पड़ोसी बोली बहुत सारा है, खुश होकर बोले बोली बहुत सारा है, थोड़े में काम क्यों चला रहे। समझ, बहुत सारा है। पर वो बहुत सारा कौन बताएगा? परमेश्वर। दुनिया आपको नहीं बताने, दुनिया आपको नहीं बताने। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा आपको? आपका काम क्या है? विरासत में क्या होना? सहभागी। उसने हमें क्या बनाया है? यूं। और कुछ लोग विरासत में सहभागी नहीं, वो किस में सहभागी है? कंगाल में। आजा हमारे पास गाने को नहीं है। किसने कहा? अरे आप कहाँ से, ये कौन सी योग्यता ले आए आप? परमेश्वर ने आपको कौन सा योग बनाया था? विरासत में सहभागी होने। बोली विरासत में सहभागी होने, विरासत में सहभागी होने का। सुन रहे हैं आप? हालेलुया। सो आप अपने रास्ता क्या बना सकते हो? सफल। पर आपको किस पे मनन करना है? परमेश्वर के वचन पे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करोगे तो सफलता आपके रास्ते में आना शुरू हो जाएगी। आपको पता होगा क्या सोचना है। सुन रहे हैं आप? पर से बोलिए, आपको पता होगा क्या सोचना है, आपको पता होगा क्या संबंध रखने, आपको पता होगा कौन से कदम उठाने। जब आप किस पर मनन करोगे? परमेश्वर के वचन। और परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर चाहता है आप क्या करो? मनन करो। क्या करो? किस पर मनन करो? परमेश्वर के वचन पर। पढ़ो बोलिए, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के वचन पर क्या करो? मनन करो। प्रेज द लॉर्ड। यह आपको गरीबी से उठा के कहां रख देगा? राजाओं के बीच में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यह आपको महान लोगों के बीच में बैठा देगा। ग्लोरी, इट हैज डन फॉर मी। इसने मेरे साथ ये किया। 20 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, दो पैंट, दो शर्ट, दो टाई, 194 रुपए, और दुनिया में कोई मुझे नहीं जानता था। पर आज ऑलमोस्ट आधी दुनिया मुझे जानती है। किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया कि मैं इतना महान बन जाऊं। मुझे पता था मैं अपना रास्ता क्या बना सकता हूं? सफल। और यही हम आपको बता रहे हैं, यही चीजें जो हम आपको सिखा रहे हैं। अगर इन चीजों पर आप ध्यान दो, इस जानकारी के द्वारा आप जीना शुरू कर दो, वही सफलता जो हमने देखी है, वही सफलता क्या देखोगे? आप भी देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। किसी ने मेरी सहायता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसके द्वारा? इन वचनों के द्वारा। हालेलुया। किसी का मेरे ऊपर कोई उधार नहीं। सही। प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथ और कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद परमेश्वर मुझे योग्य बनाने के लिए। 10 बार कम से कम अपने मुंह से बोलिएगा, धन्यवाद प्रभु मुझे योग्य बनाने के लिए। बोलिए, धन्यवाद प्रभु मुझे योग्य बनाने के लिए, धन्यवाद प्रभु मुझे योग्य बनाने के लिए। अपने हाथों को उठाकर, आपके हाथ जब उठते हैं तो और वो शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि आपके हाथ क्या है? विजय की घोषणा है। आपने कहा वाव, मैं विजयी हूँ। धन्यवाद प्रभु मुझे योग्य बनाने के लिए, धन्यवाद प्रभु मुझे योग्य बनाने के लिए, धन्यवाद प्रभु मुझे योग्य बनाने के लिए, धन्यवाद प्रभु मुझे योग्य बनाने के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। चिल्ला सकते हैं महिमा। अगर आप पहली बार आए हैं और यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो आज आपका दिन है चोटी पे पहुंचने का। सही है? तो खड़े हो जाइए। अगर पहली बार आए हैं, खड़े हो सकते हैं। और इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा। बस प्रार्थना को करना है, अपनी आंखें बंद कर लीजिए जहां कहीं आप हैं। बोलिए, हे प्यारे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए मुझे जिंदा किया, और वो आज हमेशा के लिए जीवित है। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि प्रभु यीशु मेरे प्रभु हैं और मेरे स्वामी हैं। अभी से, आज से मैं बच गया हूं। मैं आज से परमेश्वर की संतान हूं। मैं विश्वास के द्वारा अपनी आत्मा में परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए। मैं नया जन्मा हूं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। तो स्वागत है आपका परमेश्वर के राज में। हम अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने वाले। हालेलुया। ओ प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है और तेरे प्रेम और दया
सबसे महान है। हालेलुया। आ प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। हा प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा। तेरी स्तुति स्तुति करे सारा जहां, सारी धरती सारा आसमां। तेरे जैसा कोई कहां, तू महान है सबसे महान। तेरी स्तुति करे सारा जहां, सारी धरती सारा आसमां। तेरे जैसा कोई कहां, तू महान है सबसे महान। तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां। तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा। तेरे विचार है मूल्यवान और केवल तुझ में सारी और सारा ज्ञान दुनिया में सामर्थ्य से भर दिया। देखकर पवित्र आत्मा का दान। तेरे विचार है मूल्यवान, तुझ में सारी बुद्धि और ज्ञान सामर्थ्य से भर दिया हमें। एक पवित्र आत्मा का दान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा। हा प्रभु, हा प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। हा प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस भेंट को लाने की बुद्धि ज्ञान अनुग्रह में देने के लिए। उन बीजों के लिए धन्यवाद, उन दशमांशों के लिए धन्यवाद, उन पार्टनरशिप के लिए धन्यवाद प्रभु। जैसे ही आपके बच्चों ने दिया है, इसकी बड़ी हुई फसल इन तक तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। ये अपनी जिंदगी के हर दिन अनुग्रह को देखेंगे, कृपा को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, इसकी बड़ी हुई फसल, हजार गुना फसल इन तक तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम है। और ये देख पाएंगे कि आपने उन्हें कितनी आशीष दी। हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, बढ़ोतरी का नियम इसके ऊपर बोलते हैं, आपके राज के विस्तार के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं महिमा। तो जल्दी से अनाउंसमेंट सुनिए। सबसे पहला है सेल सिस्टम, उसके बाद फाउंडेशन स्कूल। जोर से चिल्ला सकते हैं फाउंडेशन स्कूल। बोले जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों है? क्योंकि यहां से फिर हम आपको क्या देंगे, जानकारी जिसकी आपको जरूरत। तो जो भी हम आपको दे रहे हैं, खेल किस चीज का है, जानकारी। तो जितनी ज्यादा आप हमसे जानकारी ले सकते हो ले लीजिए, आपको सही जानकारी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सुनने पड़ोसी बोली सही जानकारी। तो फाउंडेशन स्कूल, पार्टनरशिप, पड़ोसी बोली पार्टनरशिप। पैसा, पड़ोसी बोली पैसा। पैसा परमेश्वर के घर में लगाइए, सही है, क्योंकि यही एक जगह है जहां से आपको क्या मिलेगी, उन्नति। आपका पैसा आपके बढ़ोतरी के लिए, मेरा पैसा मेरी बढ़ोतरी के लिए। प्रेज द लॉर्ड। है क्या? तो बोलिए पार्टनरशिप। फिर हमने कहा बिल्डिंग प्रोजेक्ट, हमारे दो बिल्डिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक तो हम
नाइजीरिया में जो हमारा लववर्ड एरिना है उसके लिए हम पैसे दे रहे हैं। उसके बाद है PCDL, पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी, जैसे हमने कहा मनन करना है तो ये सब्सक्रिप्शन है, स्पेशल ऑफर्स हैं। एक महीने का सब्सक्रिप्शन 200 रुपये है, 3 महीने का 500 है, 6 महीने का 1000 है। खरीदिए, ये हम आपको कुछ बेच नहीं रहे, स्पेशल ऑफर है। अगर आप खुद जाके लेंगे तो 1700-1800 रुपये का है, अगर आप अपने कार्ड से पेमेंट करेंगे 3 महीने का 1800 रुपये है। पर हमने स्पेशल ऑफर आपको दे रहे हैं ताकि आप वचनों को सुन पाओ, पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी, जहाँ पर पास्टर के मैसेजेस हैं। किसके मैसेज हैं, किसके मैसेज हैं, और उसको आप खरीद सकते हैं। वहाँ पर नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज ही इसको डाउनलोड कीजिए, आज ही इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए। हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है मिड वीक मीटिंग, पढ़ से बोलिए मिड वीक मीटिंग। मिड वीक मीटिंग को मिस मत कीजिए। खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। दोषा थेले एंत्रीता रींद्र का प्रकाश है, ब्रांदे ब्रांदे ब्रगाज, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। उसने हमें योग्य बनाया है, 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 उसने हमें योग्य बनाया है। धन्यवाद देते और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। We'll be right back.